नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में वैक्सीन की किल्लत पर सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने सरकार पर सीधे निशाना साधा है। सुरेश यादव ने कहा है कि सरकार ने स्टॉक देखे बगैर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। सरकार ने WHO की गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया, तो सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह आरोप लगाया है। कहा है कि WHO की गाइडलाइंस का पहली बार पालन नहीं हुआ, स्टॉक नहीं देखा गया, जल्दी से जल्दी अलग अलग एज ग्रुप के वैक्सीनेशन को खोल दिया गया, तो वैक्सीन की किल्लत को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है तमाम राज्यों में भी, और इसको लेकर सफाइयां भी दी जा रही है। लेकिन अब यह बयान बहुत अहम और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह बात कही है, जिसमें कहा है कि सरकार ने WHO की गाइडलाइंस का पहली बार पालन नहीं किया। सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्टॉक भी नहीं देखा गया। और अब आपको दिखाते हैं देश के गांव-गांव में किस तरीके के हालात हैं कोरोना के। तो शुरुआत हम करेंगे नोएडा से, किस तरीके से कोरोना पर पसार चुका है गांव तक, ये आपको बताएंगे। और इस सच को हम आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग गांव में पहुंची हुई है। हम आपको महानगरों से दूर पिछड़े इलाकों में बसे गांव का हाल भी दिखाएंगे। उससे पहले जरा दिल्ली और NCR से सटे कुछ गांव का हाल भी देख लीजिए। बात भट्टा परसौल की हो रही है और देखिए वहां पर हालात क्या है। गांव भट्टा परसौल नोएडा, इस गांव में कितनी मौतें हुई और क्या टेस्टिंग और टीकाकरण से लोग संतुष्ट हैं या नहीं, यानी रिपोर्ट कार्ड में ये गांव पास हुआ या फेल। ये उत्तर प्रदेश का भट्टा परसौल गांव है। आज तक इस गांव में स्वास्थ्य विभाग के दावे और उस दावे की हकीकत को कैमरे में कैद करने पहुंचा। गांव में कदम रखते ही आपको घरों में मातम पसरा हुआ दिखेगा। ये आंसू कोरोना काल में बदइंतजामी से मिले गहरे जख्मों के। सर्वेश मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित के सिर से पिता का साया उठ गया। सर्वेश मलिक हैं, जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। इनके बेटे हैं, हम उनसे बात करते। अपना नाम बताइए। रोहित मलिक। रोहित, कितने तारीख को आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई, क्या हुआ था, कैसे आपने? एक तारीख को बुखार चढ़ा जी, दो दिन चढ़ा ना, एक से दो तारीख तक। दो तारीख को उनको हाँ धनकौर ले गए, धनकौर इलाज करवाया तीन दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनके धनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में, वहां जी गए उनने लिकाड़ दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गई। हमने बोल दिया कि घर ले जाओ, घर आके 10 मिनट जिए सांस तोड़ जाओ। 35 साल के राजवीर की मृत्यु कोविड से हुई, लेकिन घर वालों को दर्द है कि वक्त रहते अगर ऑक्सीजन और इलाज मिला होता तो हालात कुछ और होते। उनमें जो सिम्टम थे सारे कोरोना के थे, हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए, उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने, उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। इसी गांव के मांगेराम ने अपने पिता को खो दिया। आज तक से बातचीत में मांगेराम का दर्द छलक उठा। ये आपके पिताजी थे जी? कब इनकी तबीयत खराब हुई, किस तरह से अस्पताल लेके गए? 9 तारीख में तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। अच्छा। दन को ले गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ बिल्कुल प्रॉपर इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी तो उसके लिए पॉजिटिव। तो जब 1 मई को तबीयत खराब, उसके पहले गांव में टेस्टिंग वगैरह हो रही थी? नहीं। भट्टा परसौल गांव में कई लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई, ऐसा गांव वालों का कहना है।
लेकिन 7000 आबादी वाले इस गांव में टेस्टिंग और टीकाकरण पर लोगों की आप बीती सुनिए। गांव में टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई दो दिना टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। अच्छा। और यहाँ नंबर ना आ रहे, वहाँ 500 आदमी 700 आदमी पहुँचे हैं और लोग बड़े बूढ़े से जहाँ तो वे बेचारे किधर के नहीं चले आए उल्टी। प्रशासन का दावा है कि तमाम गांव में टेस्टिंग हो रही है, लेकिन आज तक की टीम जब परसौल गांव पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि गांव में टेस्टिंग नहीं हुई, यहां तक कि गांव के स्वास्थ्य उप केंद्र में डॉक्टर नहीं आते। परसौल गांव की बात करें तो यहां पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। गांव की आबादी 6000 से ज्यादा है और परसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उप केंद्र है परसौल का, और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। गांव के रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सिर्फ बच्चों का टीकाकरण होता है। ये बुधवार में एक बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा। एक घंटे के लिए बस। अच्छा। बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। और इस गांव की आबादी कितनी है और इस आबादी में कितने सरकारी अस्पताल हैं? 7000 प्लस है आबादी। अच्छा। और ये अकेला उपकेंद्र है बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई सरकारी अस्पताल? कोई नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल। कोरोना के कहर से पूरा परसौल गांव महामारी की दहशत में है और इस दहशत की बड़ी वजह सरकारी सिस्टम का सच दिखाती ये तस्वीरें हैं। दूसरा इलाज के नाम पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, इमारत आप देख पा रहे हैं उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, जर्जर इमारत है, बोर्ड भी उस पर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग थी ये पुरानी बिल्डिंग थी जो गांव के लोगों ने सरकार को दान में दे दी ताकि इसमें अस्पताल बनाया जा सके। गांव का हाल आपने देखा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद अपनी पीठ ठोकती हुई दिखाई दी। टेस्टिंग कितने से कितने बजे तक? फील्ड में हम लोग 10 से 5 बजे तक कर रहे हैं और यहाँ भी 2 बजे तक होता है, जो 8 से 2 का है टाइम, तो 2 बजे तक यहाँ चलती है, 4 बजे तक। वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है? वैक्सीनेशन चल रहा है लगातार। हाँ, वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। दिन में कितने वैक्सीन लग जाते हैं? दिन में 100-150 का टारगेट रहता है, वो पूरा हो जाता है। परसौल गांव में कई घरों से मातमी चीखों के शोर से भी स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं टूटी है, अभी भी टेस्टिंग और टीकाकरण का इंतजार लोगों को है। हमारी पड़ताल की रिपोर्ट कार्ड में ज्यादातर गांव वाले असंतुष्ट दिखे, यानी नोएडा का गांव भट्टा परसौल इंतजामों से संतुष्ट नहीं है। अरविंद ओझा, भट्टा परसौल गांव, ग्रेटर नोएडा, आज तक। और अब एक ऐसे गांव की कहानी हम आपको दिखाते हैं जहां पर कोरोना से मृत्यु का प्रकोप चरम पर है, लेकिन सरकार मृत्यु के आंकड़ों का सच मानने को तैयार नहीं। आखिर लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं तो फिर शमशान घाट पर कई गुना लकड़ियों की जरूरत क्यों है? जयपुर जिले का इटावा गांव, वही गांव जहां पर महामारी ने जमकर तांडव मचाया। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर इटावा भोबजी गांव है। इस गांव की आबादी करीब 15-16 हजार होगी, मगर इस गांव में स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं है। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है तब से किसी की जांचें तो नहीं हुई, मगर 17-18 मौतें हो चुकी हैं। इटावा गांव के लोगों का कहना है कि 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चाहे टेस्टिंग हो या इलाज, कोई सुविधा नहीं। कितने आबादी है गांव की, कितने पॉजिटिव आए हैं और कितनी मौतें हुई है? सर 15-16 हजार के लगभग गांव की आबादी है और लगभग 40-41 केस पॉजिटिव आ चुके, उनमें से होम आइसोलेट करने के बाद में अब 21 केस तो एक्टिव चल रहे हैं और बीमारी से किसी से भी मान लो वृद्धावस्था में मान लो तो अभी तक गाँव में 17-18 मौतें हो चुकी, अकाल मौत भी हुई है। सरकारी बद इंतजामी ने गांव में रहने वाली पद्मा देवी को बेमौत मार दिया तो इसी गांव में ओम प्रकाश शर्मा के जीवन पर कोरोना संक्रमण ने विराम लगा दिया। 8 तारीख को तो पहले सिद्धि विनायक में दिखा के लाया था तो उसके थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, उसके बाद में वो ठीक थी। वो फिर 11 तारीख को रात को थोड़ी वो बेचैनी सी हुई, फिर ठीक हो गई थी। सुबह ज्यादा बेचैनी होने पर मैं चौमू लेके गया तो रस्ते में उसके हालत एक आ गया। बुखार आया था
फिर बाद में हम चौमले गए इनको दिखाया रोनला जी के, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, पता नहीं है इनको 25 को इनका थोड़ा बीपी डाउन आ गया, फिर वापस इनको चौमू लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा ही बोल दिया इनको, तो वो इनको अटैक आ गया। जाहिर है टेस्ट और इलाज की सुविधा गांव में होती तो इनकी मौतें नहीं होती। ये तब है जब जरूरतमंदों के लिए ये हॉस्पिटल सरकार को दान में मिला था, लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में अस्पताल बना हुआ है और बेहतरीन अस्पताल है, गांव के भामा शाह ने देख सकते हैं ये इस तरह के बेड भी दान किए हैं, बेड के अलावा ये जो कुर्सियां रखी हुई हैं बैठने के लिए सब गांव के भामा शाहों ने दान किया है, क्योंकि गांव में एक परंपरा रही है दान करने की। मगर समस्या यह है कि 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं, डेप्यूटेशन पर लगे हुए हैं, 2:20 पर हम अस्पताल में आए तो ताला लगा हुआ है क्योंकि स्टाफ नहीं है। स्टाफ की समस्या है, इतना अच्छा अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से गांव के लोगों को शहर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है कि गांव के लोग अपने सारे संसाधनों के जरिए अस्पताल तैयार कर दिए हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था करवा दी है, उसके बावजूद सरकार जो है वो डॉक्टर नहीं लगा पा रही है, कर्मचारी नहीं लगा पा रही है। सरकारी दावे और आंकड़े सब कुछ ठीक है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर सब कुछ ठीक है तो शमशान घाट में अचानक लकड़ियों की डिमांड क्यों कई गुना बढ़ गई? आरा मशीन से 24 घंटे काटी जा रही लकड़ियां पूरा सच बयां कर रही। कोरोना की वजह से वैसे तो लॉकडाउन है, मगर आरा मशीनें इस लॉकडाउन में भी चल रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी अलग अलग आरा मशीनें चल रही हैं, क्योंकि लकड़ियों का कारोबार पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा है, इसलिए कि शमशान में लकड़ियों की डिमांड बढ़ी है। हमारे साथ हैं आरा मशीन के मालिक, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या शमशान में लकड़ियां अभी ज्यादा जानी शुरू हो गई है? हाँ, ज्यादा जानी जा रही है। कितनी जाती है? जाती है 3-4 गाड़ी रोजाना जाती है। कब के यहाँ से? हाँ, यहाँ से पूरे में तो 5-6 गाड़ी जाती है रोजाना। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हुई मृत्यु पर सरकारी पर्दा कैसे डाला जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और अब हम आपको बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा की कहानी भी दिखाते हैं। आप हेल्थ सेंटर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारी लापरवाही कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की वजह बन रही है। इस बोर्ड को बहुत गौर से पढ़िए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दरभंगा जिले के नेहरा गांव में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बोर्ड को आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ा कुछ भी नजर नहीं आता। जो कुछ नजर आएगा वो बिहार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण इलाकों में सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पर बोर्ड तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर का लगा दिया, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों का ना तो हेल्थ ठीक है और ना ही ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वेल है, बल्कि पूरी तरीके से अनवेल है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड में स्थित ये नेहरा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, और इसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस बुरे हालत में ये स्वास्थ्य केंद्र है। आपको सबसे पहले ऊपर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ये भवन भी किस तरीके से जो है वो जर्जर हो चुका है। इसके छत जो देख सकते हैं आप, कई जगह से वो टूट चुका है, और इसी का इस्तेमाल जो है सरकार स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कर रही है। गांव में रहने वाले अगर बीमार हो जाए तो उनके इलाज के लिए यही केंद्र बना था, लेकिन अब सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा बचा है, दवाई डॉक्टर सब कुछ लापता है। बिल्कुल खंडहर बन चुका है स्वास्थ्य केंद्र का ये हिस्सा, और दरवाजे इसके देखिए बिल्कुल टूट चुके हैं। ये एक बेड यहाँ पर देखिए, टूटा फूटा बेड यहाँ पड़ा हुआ है, अलमारी एक यहाँ पर है, खिड़कियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं, और पूरी की पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ भी जो हैं वो फेंकी हुई हैं। तो और चारों तरफ देखिए जाले जो है आपको दिखेंगे, छत देखिए इसका टूटा हुआ है,
तो आपको देख के ये तस्वीरें ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है बल्कि किसी भूत बंगले में आ गए हैं। सरकार ने लोगों को इस महामारी में अपनी नसीब पर छोड़ दिया है, बच गए तो ठीक, नहीं तो मृत्यु इंसान का आखिर सत्य है। स्वास्थ्य केंद्र है, इसका फायदा मिलता है गांव वालों को? ना, कोनो फायदा नहीं, कोनो फायदा नहीं, कहियो नहीं, कोनो फायदा नहीं होता है सर। नहीं आता है डॉक्टर, नहीं आता है न दवाई बीरो देता है। आज हॉस्पिटल बनेगा, कल बनेगा, बनते बनते झंडा टंगा गया, कहियो न हॉस्पिटल बनता है न कुछ होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स नदारद रहते हैं और हफ्ते में एक बार ही दर्शन देते हैं। नेहरा में ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसका फायदा आप लोगों को मिलता है? कुछ फायदा नहीं मिलता सर, कोई फायदा नहीं। यहाँ डॉक्टर बैठता ही नहीं है तो फायदा किस चीज का? कोई फायदा नहीं। कोई भी मरीज यहाँ पे होता है तो यहाँ बहुत मुश्किल है बचना है, क्योंकि यहाँ से जो जितना मरीज बन के जाता है सारे दरभंगा भागता है, वहाँ पे इलाज होता है, यहाँ तो कोई भी कोई चारा नहीं है। यहाँ जिस स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों का इलाज होना चाहिए था, आज वही स्वास्थ्य केंद्र असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन गया। स्थिति इतना खराब है जो कोई देखने वाला नहीं है हॉस्पिटल को। हाई स्कूल कोई देखने वाला नहीं है, हाई स्कूल तो भूत बंगला हो गया है, दारू सिगरेट गांजा ये सब पीता है स्कूल पर जाकर, और हॉस्पिटल को तो कोई तो देखने वाला नहीं है। कोई आता है डॉक्टर, कोई नर्स? आता है, फिर अपना बैठा रहता है, जाता है, ड्यूटी खत्म होता है, चला जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि महामारी में बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों का क्या हाल है। न डॉक्टर है, न दवाई है, न टीका है, न टेस्टिंग है, यानी पूरा सिस्टम फेल है। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। अब जरा पंजाब के ग्रामीण इलाकों का हाल भी देख लीजिए। संक्रमण की सुनामी से लोगों की मौतें हो रही, लेकिन गांव में अभी भी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की हालत ऐसी है कि लोग बस भगवान भरोसे। पंजाब के संगरूर जिले का ये नेमेल गांव है। 7,000 आबादी वाले इस गांव में पक्के मकान हैं, लेकिन ये गांव कोरोना के कहर की मार से करा रहा है। गांव में कई दर्जन लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, तो कई सरकारी बद इंतजामी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की महामारी का असर पंजाब के गाँव में साफ देखने को मिल रहा है। एक एक गाँव में बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब में मृत्यु दर देश में सबसे सर्वाधिक है। अब इस महामारी का असर कैसे दिख रहा है ये देखिए। ये जिस गांव में हम मौजूद हैं, इस गांव की आबादी तकरीबन 7,000 के करीब है, और गांव की गलियों में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है कि कैमरे को जहां पर भी ले जाते हैं कहीं भी कोई इंसान गांव की गलियों में नजर नहीं आता है। अगर नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा और ये खालीपन। आप देख सकते हैं कि गांव के घरों में ये गेट खुला हुआ है, घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी गांव के बाहर नजर नहीं आता है। नेमोल गांव के रहने वाले 40 साल के मालविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना से संक्रमित हुए और फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते दौड़ते जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई तो इस वेव ने खासकर युवाओं को अपना निशाना बनाया, यानी कि जो लोग घरों में काम करने वाले थे, कमाने वाले थे, कहीं ना कहीं उन पर इस महामारी का कहर टूटा। संगरूर जिले के नेमोल गांव में हम मौजूद हैं। 10 महीने की इस मासूम बच्ची को देखिए, ये लगातार एक टक अपने पिता की तस्वीर को देखे जा रही है, और शायद उसे ये नहीं पता कि उसके पास पिता के रूप में अब सिर्फ तस्वीर रह गई है। और ये तस्वीर जो है बहुत पुरानी नहीं है, यानी कि 10 तारीख को इसी महीने में मलविंदर सिंह की डेथ हुई है। नहीं, घर में हमारे सिर्फ यही कमाते थे, बाकी जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स आ गए, छोटे बच्चे आ गए घर में, और हमारा कमाई का कोई सोर्स ही नहीं था, यही कमाते थे, सब कुछ यही संभालते थे घर का काम। आज घर में मातम है, क्योंकि अब इस पत्नी का सुहाग छिन गया है। इस बेटी के पिता और इन बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा इसी गांव के रहने वाले 55 साल के बलदेव खान की जान कोरोना ने ले ली। संगरूर जिले के नेमोल गांव में ही इस समय हम मौजूद हैं, और ये दूसरा घर है जहां पर कोरोना से मौत हुई है, यानी कि कोरोना का कहर अब गांव में
टूटने लगा है और गांव के गांव कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित होते जा रहे हैं। बलदेव खान का ये घर है और ये छोटी सी तस्वीर इनके हाथ में आप देख सकते हैं, उनके बेटे हैं और ये कह रहे हैं कि पिता की मौत के बाद कहीं ना कहीं इस घर पे अब दुखों का पहाड़ भी टूटने लगा है। इस गांव के कई परिवार हैं जिनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज बलदेव खान के घर में मातम का माहौल है और कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं है। संगरूर जिले में टेस्टिंग और इलाज का अंदाजा आप किला बोरिया गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लटकते ताले से लगा सकते हैं। कोरोना की महामारी शहरों से गांव की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा पंजाब सरकार ने भी गांव में फौरी तौर पर कोरोना की फतेह किट पहुंचाने का ऐलान किया है और सरकार का दावा है कि गांव में बुनियादी सुविधाएं बहुत जल्द मजबूत की जाएंगी। लेकिन किस तरीके से की जाएंगी इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए। ये किला बरिया गांव है संगरूर जिले का और यहां पर बाकायदा डिस्पेंसरी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इस डिस्पेंसरी में यहां पर अगर कोई गांव का आदमी आता है इलाज के लिए तो उसे ये ताला लटका मिलेगा। इतना ही नहीं, गांव में अगर किसी को अपने कोरोना की जांच करवानी है या वैक्सीन लगवानी है तो इस तरह की कोई सुविधा इस गांव में फिलहाल मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, ना तो दवाइयों की, ना ही टेस्टिंग और टीके की, यानी गांव वाले भगवान भरोसे हैं। डॉक्टर वहां पे कोई नहीं आया, जिंदी बनी है उनकी बंदी है, ये पता नहीं कैसी लग गई, ताला लगा है, कभी डॉक्टर नहीं आया थे। अच्छा ये बताइए, अगर गांव में किसी को कोरोना की वो है कि मेरे को हो सकता है या नहीं हो सकता है, सिम्टम्स है, तो वो अपनी जांच कराने के लिए कहां जाए? आप तो लंगोल या संगरूर जाना पड़ेगा, वहां तो कोई सुविधा नहीं है। संगरूर यहां से कितनी दूर है? संगरूर से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर जी, मतलब गांव में कोई सुविधा नहीं है, ये डिस्पेंसरी सिर्फ सफेद आती है। हाँ जी बिल्कुल खाली पड़ी है, जितने दी आई है बनी है ना, इतनी कदे भी डॉक्टर नहीं आया इसमें। सोचिए गाँव में साल 1991 में डिस्पेंसरी तो खुल गई लेकिन कभी लोगों को इलाज नहीं मिला। ये तब है जब गांव में कोरोना संक्रमण की सुनामी लोगों को बेमौत मार रही है। सत्येंद्र चौहान, संगरूर, आज तक। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह राजस्थान के उस गांव में पहुंची जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पिछले कुछ दिनों में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन गाँव वाले आज भी कोरोना संक्रमण से हुई मौतों पर पर्दा डालने में लगे हैं। राजस्थान के झुंझुनू का छपोली गांव, इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन छपोली में इन मौतों को क्या सरकारी आंकड़ों में छिपाया गया? क्या टेस्टिंग और टीकाकरण इस गांव में हो रहा है? आज छपोली गांव के लोग सरकार को कितना नंबर दे रहे हैं आपको दिखाते हैं। आंखों में आंसू और अपनों को खोने का दर्द छपोली गांव में रहने वाले कई परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग चुका है। तो क्या कोरोना संक्रमण की सुनामी ने इस गांव के घर घर तक महामारी को पहुंचा दिया? आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह छपोली पहुंची। पहाड़ियों के बीच बसा कदमकुंड यूं तो अमूमन बहुत पर्यटकों का स्थल होता था, लेकिन लॉकडाउन हुआ और उसके बाद यहां पे सन्नाटा पसर गया। आसपास के गांव के लोग जो है वो कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं और छपोली गांव जहाँ पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उसके गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं ठंडी हवा के लिए। अमूमन वैसे तो अनुमति नहीं मिलती लेकिन पूरे दिन घर में बैठे बैठे करें क्या। इसमें देखिए जहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं तो गाँव वाले यहाँ पे मौजूद है। छपोली गांव में कोरोना काल में हुई मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी लोग मृत्यु की वजह कोरोना को नहीं मान रहे। गांव में मौतें तो काफी हुई है, गांव भी बहुत बड़ा है छपोली, बाकी ज्यादातर लोग काफी 80-85-90 के आसपास हुए हैं, पुरानी बीमारी से हुए हैं। ऐसा कोरोना से अभी मेरे गांव में कोई जांच तो हुई नहीं, 1-2 में जरूर लक्षण थे। गांव में एक साथ ये 25-30 मौतें हुई तो लोगों को लगा कि भाई ये कोरोना से मौत हुई है, लेकिन कोरोना से मौत नहीं हुई है। 70-80 साल से ऊपर थे बुजुर्ग लोग, वो पहले से बीमार थे, कुछ मौसमी बीमारी थी, बुखार, इस तरह से उनकी मौत हुई है। लोगों को लगा कोरोना से मौत हुई है, लेकिन कोरोना से किसी मौत नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी। इसे आप जागरूकता की कमी कहिए या फिर कोरोना को लेकर समाज में अजीब सा भय,
कोरोना को लेके अभी भी वो एक स्टिग्मा होता है कि आपको अगर कोरोना से मौतें हुई गांव में बाहर चर्चा होगी तो लोग मानने को भी तैयार नहीं होते कि कोरोना से मौत हुई है, क्योंकि एक वो लगता है कि गांव की बदनामी हो। गांव में वैसे तो सन्नाटा है, लेकिन बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कोरोना संक्रमण को लेकर सचेत है। इस बार जो माहौल है कोरोना का, उसके आने के बाद वो डर नहीं रहा, लोग आगे से जांच कराने के लिए एक्टिव है गांव में। पिछली बार जो पहले पिछले साल आया था उसमें इतनी जो डर नहीं था लोगों को, लेकिन की बार जो सुना। गांव वाले तो गांव वाले, जिन घरों में मृत्यु हुई है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि गांव में कोरोना का संक्रमण है और उसी संक्रमण से मौत हुई। बड़ी खांसी थी पहले तो उसने बचाने से तो बहुत खराब हो गई थी। फिर हमने हॉस्पिटल लेके गए थे, उदयपुराटी हॉस्पिटल में लेके गए। उदयपुराटी वाले ने कहा झुंझुनू लेके जाओ, झुंझुनू लेके गए थे हॉस्पिटल, नहीं लेके गए रास्ते में गए। देश में लगभग सभी बड़े राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है और इस बीच एक और खतरा पैदा हो गया है जिसका नाम है व्हाइट फंगस, जिसके 4 मरीज पटना में सामने आए हैं। तो आखिर क्या है ये व्हाइट फंगस और ये कैसे ब्लैक फंगस से अलग है, आइए आपको बताते हैं। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे हैं। व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार के पटना में चला है। हालांकि अभी भी व्हाइट फंगस को लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जैसे कि इसका सबूत नहीं है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल रहा है या नहीं, ना ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है। कहीं कहीं पे एक व्हाइट फंगस भी लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कैंडिडा की बात कर रहे हैं। कैंडिडा पहले भी होता था, जिनकी भी इम्यूनिटी घटती है, चाहे वो कैंसर का दवा चलने के चलते होता हो, ट्रांसप्लांट का दवा चलने के चलते होता हो, डायबिटिक हैं इसके चलते हो रहा हो, या स्टेरॉइड चल रहा है उसके चलते हो रहा है, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से लोगों को सजग रहना चाहिए, डॉक्टर्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत मुश्किल नहीं है इसको डायग्नोस करना, बहुत इजीली डायग्नोस होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज द की टू द डिजीज। अभी तक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बीच जो अंतर पता चला है वो ये है कि ब्लैक फंगस अब तक कोरोना के उन मरीजों में पाया गया है जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, यहाँ तक कि नाखूनों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादातर मृत्यु दर के लिए जाना जाता है, जबकि व्हाइट फंगस के साथ ऐसा मामला है या नहीं ये अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हाइट फंगस एक सामान्य फंगस है जो कोरोना महामारी से पहले भी लोगों को होता था, कोविड से इसका कोई खास नाता नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उनमें ऐसी कंडीशन पाई जा सकती है। ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो। देखिए, जो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस है वो एक अलग प्रजाति का फंगस है, लेकिन वो भी ऐसे ही मरीजों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम है। जो म्यूकर माइकोसिस है वो नाक से एंटर करके नाक को, नाक के पीछे के साइनसिस को, आँखों को और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फंगस है कैंडिडा, अगर ये ब्लड में एक बार उतर जाए तो वो ब्लड के थ्रू ब्रेन, हार्ट, किडनी और बोन्स इत्यादि सभी अंगों में फैल सकता है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक फंगस माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पटना के अस्पताल में भर्ती व्हाइट फंगस के सभी मरीजों में कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण थे, लेकिन कोरोना जांच में निगेटिव पाए गए एंटी फंगल दवाइयों से उनका इलाज किया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि जिस तरह कोविड-19 के गंभीर मामलों में अतिरिक्त स्कैन की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्हाइट फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन परीक्षण की भी आवश्यकता होती है।
ये इन्फेक्शन भी जानलेवा है अगर वो सिस्टमिकली प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है या फिर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग में प्रेजेंट है। ये इन्फेक्शन जो है इसको लगने वाली दवाइयां थोड़ी अलग है, इसके लिए फ्लुकोनाजोल दिया जाता है या वोरिकोनाजोल दिया जाता है। ये बीमारी को व्हाइट बोला जाता है बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन फॉर्म होता है कैंडिडा के कारण, या फिर व्हाइट कलर का ग्रोथ देखा जाता है जब हम उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये ब्लैक फंगस से क्यों अलग है, क्योंकि इसका तो एक तो है कि ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, बट इसको लगने वाली ट्रीटमेंट अलग है। जानलेवा कोई भी फंगल इन्फेक्शन जब ब्लड स्ट्रीम से फैलना स्टार्ट होता है तो वो वैसे ही जानलेवा हो जाता है। जानकार कहते हैं कि ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्हाइट फंगस के केस में अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। व्हाइट फंगस का अन्य राज्यों में फैलने का अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिल्कुल ब्लैक फंगस की तरह यह भी बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसके बारे में भी इस समय डेटा अवेलेबल नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में ट्रेन और बस में पहले ऐसा हुआ करता था कि जब लोग अपनों को बैठाने के लिए रुमाल या फिर अखबार रख दिया करते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन महामारी के वक्त कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों के बेड पर कुछ इसी तरीके से कब्जा जमा रखा है। कर्नाटका में बेड्स के लिए मारामारी चल रही है, यहाँ पर पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल से एक बेड मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने यह बयान दिया है कि बेंगलुरु के 3 हॉस्पिटल्स में 15% बेड्स सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों के लिए रिजर्व किया जाए। अब इस बारे में पूरे राज्य में विवाद अब चल रहा है, लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों की जिंदगी मायने रखती है बाकी की नहीं, क्या ये बोल रहे हैं सुधाकर जी यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के वो राज्य। Helpline and gave the information with the BU number, telling them that the patient has to be shifted. Please let us know if there's any bed available. The BBMP said that there is no bed available right now, sir. In case if anything comes up, we will call you. And they also mentioned that there are people who have been waiting with the oxygen level of 60-65, and even they have.